बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उज़्मा नैयर। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल एज एन ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट। आज मैं आपसे ब्रेस्ट फीडिंग के मुतालिक बात करूंगी और इसके बेनिफिट्स फॉर द मदर एंड द बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत से फ़वाद हैं, ना सिर्फ माँ के लिए बल्कि बच्चे के लिए भी। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए जो फ़वाद हैं उनमें यह है कि ब्रेस्ट फीडिंग से पहले माओ के अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ डिलीवर बन जाती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे जो ब्रेस्ट फीड करने वाले होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस और डायरिया की शिकायत बहुत कम होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चों का IQ एज़ कम्पेयर टू द बॉटल फेड बेबीज़ ज़्यादा अच्छा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों का इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से उनमें तमाम बीमारियों से वो महफूज रहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से माँ और बच्चे के अंदर एक स्पेशल बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से जब बच्चा माँ को लैच करता है तो हमारे हार्मोन जो नेचुरल तौर पे एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जिसको हम लव हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से माँ और बच्चे के दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग से माओं के जो फ़वाद हैं वो ये हैं कि बच्चे यूट्रस का जो साइज़ होता है आफ्टर डिलीवरी वो जल्दी अपने प्री प्रेगनेंसी साइज़ आता है, जिसकी वजह से माँ का जो प्री प्रेगनेंसी वेट होता है वो जल्दी अचीव हो जाता है और वो माएँ ज़्यादा हेल्दी और फिट नज़र आती हैं। यूजुअली डिलीवरी के फौरन बाद माओं को जो पहला घंटा होता है उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं और उसमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम माँ का कॉन्टैक्ट बच्चे के साथ आफ्टर डिलीवरी विद इन 1 आवर होता है और उसमें अगर ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर दी जाए तो वो बच्चा वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो जब आप पेन फ्री हों और आप कम्फर्टेबल महसूस करें तो अपने बच्चे को जल्द से जल्द ब्रेस्ट फेड करवाएँ। ब्रेस्ट फीडिंग के फ़वाद जो माओं में देखे गए हैं कि वो बहुत सी कैंसर से महफूज रखती है, जिनमें आपका ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर शामिल है। इसके अलावा वो मुख्तलिफ मेडिकल डिसऑर्डर्स जिसमें शुगर का अमराज होता है उससे भी ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर्स महफूज रह जाती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से माओं का वज़न जल्दी कंट्रोल में आ जाता है और इसकी वजह से आफ्टर डिलीवरी जो बच्चों के मसाइल होते हैं उनमें से बेनिफिट्स देखे गए हैं। लिहाजा बच्चों के मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि अपने अपना दूध पिलाएं और अपने बच्चों को इस कुदरती नेमत से महरूम ना करें। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग के मुतालिक किसी मसाइल का सामना है तो डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाएं। थैंक यू।